राहुल गांधी को तस्वीरों में आप देखिए, राहुल गांधी यहाँ से वापस निकल रहे हैं और आगे जो है वो यात्रा को जाना था लेकिन लैंडस्लाइड हो गया है आगे, और उसके बाद में राहुल गांधी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, टी शर्ट के अंदर राहुल गांधी है, टी शर्ट में ही है राहुल गांधी, लेकिन जबरदस्त जो है हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है तस्वीरें आप देखिए राहुल गांधी को, थोड़ा ऊपर करके दिखाइए कैमरा, कैमरा ऊपर करके दिखाइए जरा, तो राहुल गांधी को जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ से सिक्योरिटी के, भारी सिक्योरिटी के बीच में वो जो है वो यहाँ से यात्रा अभी फिलहाल नहीं हो रही है और यहाँ से कुछ दूसरे रूट के लिए जो है वो अब कांग्रेस यहाँ से देखेगी, यहाँ से यात्रा आगे बनिहाल की तरफ जानी थी, अभी लैंडस्लाइड चल गया है, लैंडस्लाइड हो गया है तो इसलिए यात्रा को जो है वो यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, आगे रोड क्लियर होगा और उसके बाद में हो सकता है कि शाम को फिर यात्रा हो या फिर कल यात्रा हो, अभी जो यात्रा थी होनी थी यहाँ पर, ये काफिला आप देख रहे हैं राहुल गांधी का, ये यहाँ पर जो है तो लैंडस्लाइड हो गया है आगे। जी सर, अभी तो कुछ नहीं पता, आप देख सकते हैं कि लोगों का प्यार क्या है इस बारिश में, आगे भी बर्फ है पीछे भी बर्फ है, राहुल गांधी हमारा लीडर आया है लोगों का प्यार, लोगों के साथ प्यार बांटने के लिए, आप देख सकते हैं बारिश में रोड ब्लॉक है, दोनों तरफ रोड ब्लॉक है, फिर भी लोगों का हुजूम देखिए, इस तरफ भी ब्लॉक है इस तरफ भी, लोग इतने ज्यादा ये राहुल गांधी की मोहब्बत में यहाँ पे आए हुए हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि राहुल गांधी सर आज हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो आए हैं हमें बहुत अच्छा लगा सर इसके लिए। देखिए यहाँ पर लोगों का जो जज्बा है वो तो कम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन किस तरह से जो है वो लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और कैसे जो है वो लोग ऊपर से लेकर के नीचे तक यहाँ पर खड़े होकर के राहुल गांधी को देख रहे थे, काफ़ी देर तक यहाँ पर इंतज़ार किया, यहाँ पर देखा स्थिति को और उसके बाद में आगे जो है बनिहाल के अंदर वो लैंडस्लाइड हो गया है और यात्रा जो है वो यहाँ पर रोकनी पड़ रही है, और अब इसके बाद में ये देखिए पायलट गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से अब सब निकल रही हैं और जहाँ पर कैंप लगा हुआ है वहाँ पर कैंप में राहुल गांधी दोबारा जाएंगे और उसके बाद में जैसे ही यात्रा जो है वो यहाँ से आगे का रास्ता क्लियर होगा फिर से जो है वो यहाँ से यात्रा शुरू होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिलहाल की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो हालात दिखाई दे रहे हैं, कैसे लोगों का जो है वो काफिला वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ज़बरदस्त यहाँ पर बारिश अब शुरू हो गई है और उस बारिश के बीच में जो है वो राहुल गांधी यहाँ से, उनको आगे बढ़ना था, रेनकोट भी कुछ देर के लिए पहना, काफ़ी देर तक वो टी शर्ट में ही रहे, जैकेट खैर अभी तक नहीं पहना है, लेकिन तस्वीरें जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तस्वीरें जो है वो यहाँ पर बयां कर रही है कि किस तरह से जो है वो हालात यहाँ पर है, तो ज़बरदस्त बारिश और उस सबके बीच में राहुल गांधी का काफिला जो है वो यहाँ तक पहुँचा, कल नगर कोटा थे, नगर कोटा से उससे पहले सांबा, सांबा से नगर कोटा, नगर कोटा से उधमपुर, उधमपुर आए और उधमपुर से जो है अब ये चंद्रकोट से रामन पहुंचे अभी कौ बाग में, आगे जो पैंठियाल में डेंजरस एरिया है स्लाइड की वजह से अभी वापस जा रहे हैं चंद्रकोट के लिए, वापस जा रहे हैं, ये अक्सर हो जाता है ऐसा, हाँ क्योंकि यहाँ पे आगे जो रोड है बहुत डेंजरस एरिया है, तो ये कितना टाइम लगता है उसको क्लियर होने में, जैसे बारिश थोड़ा बारिश थोड़ा रुकेगा उसके बाद तो रोड फिर क्लियर होता है, बारिश में वो जो खतरा वो डबल हो जाता है, वो डबल खतरा और बहुत हैवी एरिया है, पत्थर स्टोन स्टोन बड़े बड़े ऊपर से, आप लोग भी नहीं जाते हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं, कोई भी नहीं जा सकते इस बारिश में, कोई भी नहीं जा सकते, खतरा बहुत है, रास्ता आगे आगे से बहुत खराब है रास्ता, आज यहाँ पे प्रोग्राम था चंद्रकोट जैसे चौकी है, आगे चौकी जगह जगह खराब है, हिली रास्ता है, तो आप लोगों को कहीं से जाना हो या वहाँ के लोगों को आना हो तो कैसे करते हैं, बिल्कुल सर घर में ही बैठते हैं, रोकना पड़ता है, घर में ही बैठना पड़ता है, जैसे कोई रोड में फंस गया तो उसको पुलिस वहाँ से निकालते हैं, किसी सेफ साइड पर ले जाते हैं इस समय, अच्छा, और कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई किसी को कोई परेशानी हो जाए सेहत की, तब तब अगर देखिए अगर वहाँ रामसू वाले जो होते हैं रामसू वाले आगे जाते हैं बनियाल वाली उधर के लोग उधर चले जाते हैं, इधर के लोग इधर चले जाते हैं, मेन एरिया जहाँ पे जो है ये कितनी दूर तक ये ऐसा एरिया है, ऐसा इलाका है, 25 किलोमीटर के यहाँ से रामबन से लेकर बिल्कुल आप समझो बनिहाल तक बिल्कुल डेंजरस रोड है ये, उसके बाद में बनिहाल से आगे फिर जो है वो बर्फ जो है शुरू हो जाएगी, हाँ बनिहाल से आगे जैसे हम टनल क्रॉस करेंगे कश्मीर घाटी में पहुंचेंगे तो आगे वहाँ से बर्फ होगा, लेकिन इतना सेफ एरिया है, इतना हिल एरिया है नहीं जहाँ पे कि समझो आप पत्थर आने की संभावना नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हल्की मल्की बर्फबारी होती है तो उसको उस समय उसको क्लियर करते हैं तो रोड खुल जाता है, लेकिन इस रोड को
काफी डेंजरस रोड है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं जी सर, ये जो चुनाव के समय आता है तो कोई और नेता भी आपने देखा है कि इस तरह से करता है, या आपको लग रहा है कि और कोई बड़ा नेता इस तरह से यहाँ पे आपके इलाके में आया है? फर्स्ट टाइम ऐसा नेता है जो जिसने ये काम किया है, मेरे ख्याल से सबसे फर्स्ट नेता है हमारे हिंदुस्तान में। 3-10 जो राहुल गांधी के यहाँ पे प्रोग्राम में आ रही थी चंद्रकोट में रुका ली बारिश की वजह से, वो वहीं पे रह गए, आधे सुमन में रुका लिए, जगह जगह रुका लिए। तो श्रीनिवास जी, ये अभी लैंडस्लाइड हो गया है, देखिए किस तरीके का जो बारिश हो रहा है। हाँ। बारिश में कल भी लैंडस्लाइड हुआ तो आज भी हुआ, आज बारिश में ही राहुल गांधी जी पूरा पदयात्रा किए, मीन्स ये बारिश में लैंडस्लाइड हुआ तो नेचर के लिए हमने कुछ कोई कह नहीं सकते, बारिश में ये हमेशा समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई आपके लोगों के लिए। नहीं, समस्या स्टार्टिंग से जब कन्याकुमारी से स्टार्ट हुआ तब से है, बट बारिश भी देखे, धूप भी देखा, ठंड भी देखा, दोबारा बारिश, मीन्स उसके लिए राहुल गांधी जी क्लियर माइंड सेट है, वहाँ लाल चौक में झंडा फहराना है और भारत जोड़ने का जो यात्रा कम्प्लीट करेगी। जैकेट कब तक चलेगी? अब तो पूरा बर्फ आएगी बनिहाल से। भैया बर्फ गिरने दो और कुछ गिरने दो, कोई उसके लिए हमको कोई टेंशन नहीं है, यात्रा भारत जोड़ो यात्रा लाल चौक में झंडा फहराना एक ही है, उसके लिए कोई हमारा को टेंशन नहीं है। जो टेंशन है जो आरएसएस बीजेपी वाले उनको टेंशन हो रहा है, वो लोग जल रहे हैं, राहुल जी चल रहा है, क्लियर होने के बाद फिर दोबारा शुरू होगी, 100% स्टार्ट होगा। ऐसे ही कल छुट्टी था ना, कल 26 जनवरी, तो कल छुट्टी था, फिर स्टार्ट होगा यात्रा। तो देखिए कांग्रेस की तरफ से जो है वो यही कहा जा रहा है कि जैसे ही जो है वो ये रास्ता क्लियर होगा और छुट्टी है कल की 26 जनवरी की और उसके बाद में फिर चीज़ें जो है वो शुरू होंगी, लेकिन किस तरह के हालात हैं, कैसे हालात हैं वो आप समझ सकते हैं और यहाँ पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो देख सकते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।